हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं तो सर्वसन सिंह और ये है आपका बेटू पुलसा चैनल रीडिंग मनिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास एम्फिबिया के बारे में, और ये हमारा लेक्चर नंबर 23। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। अगर आप लोग ये लेक्चर पूरा एंड तक देखते हैं तो आई होप आपको ये टॉपिक का अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये जो एम्फीबिया क्लास है, इनका पहला स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो है वो उनका नाम से ही पता चल जा रहा है। वो कैसे? क्योंकि इनका नाम दो ठो वर्ड से कंसिस्ट होकर बना है। फर्स्ट जो है एम्फी और सेकंड वन है बिया। तो एम्फी का मतलब क्या है? एम्फी का मतलब है ड्वेल, ड्वेल। और बिया का मतलब क्या है? बिया का मतलब है लाइफ, लाइफ। तो ये जो होते हैं लाइफ, या फिर हम प्लेस भी बोल सकते हैं। तो ये जो एनिमल्स होते हैं, इसमें जितने एनिमल्स होते हैं वो ड्वेल दो ठो बिहेवियर में, दो ठो हैबिटेट में वो जिंदा हो सकते हैं। वो सारा क्या क्या है? पहला तो है आपका एक्वाटिक, एक्वाटिक मींस वाटर में रह सकते हैं। और सेकंड वन है आपका टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मींस लैंड में वो जिंदा हो सकते हैं। तो ये आपके दोनों हैबिटेट में ये क्या हो सकते हैं? जिंदा हो सकते हैं, आराम से जिंदा हो सकते हैं। फिर इनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनका जो एलिमेंटरी कैनाल होता है और इनका जो यूरिनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है, इसका एक कॉमन पैसेज होता है, ओपन इनटू कॉमन पैसेज। ये तीनों एक ही पैसेज में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्लोएका। और ये ओपन करता है किसमें? ओपन से इनटू, ओपन इनटू इनटू एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बाहर, बाहर की तरफ ये ओपन करता है। अगर ये इनका बॉडी हो गया, मान लो ये इनका बॉडी हो गया, तो यहाँ से जो ये आपका एलिमेंटरी कैनाल होगा या फिर यूरिनरी ब्लैडर यहाँ से ज्वाइन होगा, या फिर ये आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक यहाँ से ज्वाइन होगा। तो तीनों का ये कॉमन पैसेज एक ही होगा जो कि पूरा एक्सटीरियर बाहर की तरफ होगा। समझ में आ गया आपको? फिर इनका क्या होता है? टू पेयर ऑफ लिम्स इनका प्रेजेंट होता है। ज्यादातर मोस्ट Most of the animals have two pairs of limbs. फिर इनका बॉडी जो होता है, बॉडी डिवाइड होता है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड और ट्रंक पे इनका बॉडी क्या होता है? डिवाइड होता है। फिर सम हैव टेल इज प्रेजेंट। कुछ में क्या होता है? टेल आपका प्रेजेंट होता है, उनका टेल प्रेजेंट होता है। और उनका क्या होता है? मॉइस्ट स्किन, दे हैव मॉइस्ट स्किन बट विदाउट स्केल, स्केल उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, स्केल उनका क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता है। और उनका क्या होता है? आई में आपका आईलिड्स प्रेजेंट होता है उनके में, आई में आईलिड्स। तो ये जो आपका है, ये आपका आईलिड्स बोलते हैं, तो जो कि आय को ढका ढकता है। तो ये आपका मान लीजिए आय हो गया, तो आप जब स्लिप करेंगे तो यहाँ से जो आईलिड होगा ये इसको ऐसे ढक लेगा हमारा जैसे है। तो इनका भी आईलिड प्रेजेंट होता है, और इनका तो स्पेशलाइज्ड ईयर प्रेजेंट नहीं होता है, टोटली ईयर इनका नॉट प्रेजेंट होता है। लेकिन उसके बदले क्या होता है? टिम्पानम होता है जो कि ईयर के जैसा एक्ट करता है। टिम्पानम, टिम्पानम प्रेजेंट होता है बोल के वो ईयर के जैसे वो सुन पा रहे हैं। तो आप पहले इतना तो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? इनका जो रेस्पिरेशन के लिए इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या होता है? गिल्स प्रेजेंट होता है, लंग्स होता है, और थ्रू स्किन भी ये कर सकते हैं रेस्पिरेशन। और इनका जो हार्ट होता है, हार्ट इनका थ्री चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। और ये जो थ्री चैम्बर हार्ट होता है, दो ओरिकल होता है और वन वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है यहाँ पे। और इनका क्या, ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, तो ये उनका बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। ओके, फिर इनका जो सेक्सेस होता है सेपरेट होता है, तो स्पर्म जो होता है वो अलग और जो एग होता है ये अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है। फिर इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट जो होता है डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। और ये ओविपोरस होते हैं, मीन्स एग वो ले करते हैं, ले एग्स, ले एग्स, ये एग्स ले करते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है? बुफो, हाइला, राना एंड सलामेंडर। तो ये जो चार हो गए, ये इसका क्या है? एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। तो आई होप आपको क्लास एम्फीबिया समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और मेरे चैनल में जो न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे वीडियोस को बहुत सारा शेयर भी करना। तब के लिए बाय बाय।